नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले की खेरलांची जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली सभी 62 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने जनपद के अधिकारी और उपयंत्री की मनमानी के चलते आंदोलन की राह पकड़ी है। खेरलांची सरपंच संघ के अध्यक्ष रमेश नागपुरे, सरपंच ग्राम पंचायत सालेबर्डी और जिला उपाध्यक्ष भाजपा और अन्य सरपंचों ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायतों में रोजगार मूलक कार्यों का अभाव है, जिसका कारण यह है कि जनपद के PSEO और उपयंत्री अपनी मनमानी करके कार्यों के TS नहीं बन रहे हैं। महज 30 से 40 हजार के निर्माण कार्यों के TS जारी कर हमें बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में CM द्वारा श्रम सिद्धि योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को कहा गया था, किंतु ये अधिकारी CM के आदेश की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाहर से आए ज्यादातर मजदूर कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, उन्हें उनके हिसाब से काम मिलना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे कामों की स्वीकृति देकर उन्हें मिट्टी फेंकने जैसे काम करने को कहा जा रहा है। जनपद पंचायत के सभी सरपंच ने अपनी समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। सर, ये क्या समस्याएं है सरपंच की, क्या आपको अवगत कराया था इन्होंने? सरपंच ने पूर्व में अवगत कराया था कि जो उनके यंत्री हैं ठीक से काम नहीं रहा और TS वगैरह नहीं कर रहे हैं। उस संबंध में मैंने उपयंत्री को भी मौखिक निर्देश दिया है कि आप तत्काल उनको TS वगैरह दें और स्थानांतरण के लिए भी मैंने जिला कार्यालय को लिखा है। सर, वो TS और उसको लेकर के पैसे की भी मांग की जा रही है हितग्राहियों से, और ऐसी जानकारी बताई गई सरपंचों द्वारा? ऐसी जानकारी तो मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उस संबंध से। सरपंच जी, ये बताया यहाँ पर जनपद पंचायत के सभी सरपंच एकजुट होकर जनपद के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखे जा रहे, किन समस्याओं को लेकर के सरपंच संघ आज एकत्रित हुआ है? खास तौर से आप इस समय जानते हैं देश COVID-19 से ग्रस्त है, ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायतों को TS मिलना अनिवार्य है ताकि ग्राम पंचायत सरपंच मजदूरों को काम दे सके, क्योंकि जो